नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जय। आज जो आपको मैं कहानी सुनाऊंगा वो कहानी भगवान महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ी हुई है। उस कहानी का नाम है चंडकोशिक नाग और भगवान महावीर स्वामी। आपने ज़्यादातर चंडकोशिक नाग की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन मैं चंडकोशिक नाग के पहले जन्म के बारे में कहानी आपको बताऊंगा। ये तो पता है ना कि हम आज बैठे हुए हैं तो हमारा ये जन्म पूर्ण नहीं हो गया, आगे भी समय में हम जन्म लेंगे, और पहले भी हम जन्म ले चुके हैं। तो ये जन्म मरण की जो चक्र है वो चलता रह रहा है, ठीक है। तो ये कहानी है चंडकोशिक नाग से जुड़ी हुई। भगवान महावीर स्वामी जो थे उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, साधु बने, श्रमण बने। साधु बनने के बाद में उनके दूसरा वर्ष चल रहा था साधु पने में। उनका कितने नंबर का वर्ष चल रहा था? दूसरे नंबर का वर्ष चल रहा था। और वो एक गांव से दूसरे गांव में बिहार कर रहे थे, बिहार करते हुए एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तो उनको वो कहां जा रहे थे? वो दक्षिण वाचाला से उत्तर वाचाला की तरफ जा रहे थे। कहां जा रहे थे? दक्षिण वाचाला से उत्तर वाचाला की तरफ जा रहे थे। तो उसके बीच में दो रास्ते थे। एक रास्ता जो था कनखल आश्रम से होकर जाता था और दूसरा रास्ता गांव के कनखल आश्रम से पीछे होकर के जाता था। तो जो कनखल होकर के कनखल आश्रम होकर के जो रास्ता जाता था वो आसान था, सरल था, अच्छा था, लेकिन खतरनाक भी था। क्यों? वो अभी बताऊंगा क्यों था। और जो पीछे जो रास्ता होकर जाता था कनखल आश्रम से, वो रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, दुर्गम था और उबड़ खाबड़ था, ठीक है। तो भगवान महावीर जो है बिहार करते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ ग्वाल बाले मिले, यानी ग्वाले के बच्चे मिले। तो वो युवाओं ने बोला कि हे देवार्य, आप इस कनखल आश्रम से होकर के मत जाओ, इस आश्रम में एक भयानक काला नाग रहता है, वो एक दृष्टि विष सांप है, वो दृष्टि विष नाग है, वो जिसको भी देखता है उसको जला करके भस्म कर देता है, पूरा का पूरा कनखल आश्रम उजड़ चुका है, यहाँ डर के मारे कोई नहीं जाता, सारे पेड़ पौधे राख हो चुके हैं, वीराना सा माहौल है, अगर आप इस आश्रम से होकर के उत्तर वाचाला जाएंगे तो आपके प्राणों को खतरा है, आप इस रास्ते से मत जाओ, अब दूसरा रास्ता पकड़ के जाओ। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे कि ये कनखल आश्रम उजड़ क्यों गया। क्यों उजड़ा? क्योंकि वहां पर एक नाग है, उस नाग का उद्धार करने के लिए भगवान ने उस रास्ते को चुना। और भगवान उस रास्ते से होकर के जाने लगे, और जाने के बाद में वो भगवान चारों तरफ देखते हैं कि पूरा का पूरा आश्रम उजड़ा हुआ है, सारे पेड़ पौधे जले हुए हैं, चारों तरफ हड्डियां अस्थि पंजर पड़े हुए हैं, लोगों की हड्डियां पड़ी हुई हैं, धुआं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि उस दृष्टि विष सांप ने उस हरे हरे भरे जंगल को जला करके राख कर दिया। वहां एक देवालय था जो कि खंडहर अवस्था में था, और खंडहर अवस्था में उस देवालय पे जाकर के भगवान कायोत्सर्ग में खड़े होकर के ध्यान करने लगे। इतने में वो नाग आया, वो काला डरावना जहरीला, वो उसने देखा, उस नाग ने देखा कि कौन है जो मेरे बिल के पास आकर के खड़ा हो गया और ध्यान कर रहा है, इसको मुझसे जरा भी डर नहीं लगता, अभी मैं उसको अपनी ताकत दिखाता हूं। तो उसने भगवान के ऊपर दृष्टि छोड़ी, दृष्टि से प्रहार किया, लेकिन भगवान को कोई असर नहीं हुआ। उसने दूसरी बार दृष्टि प्रहार किया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। अब उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया,
कि मेरी ताकत मेरी शक्ति इसके ऊपर असर नहीं कर रही है। तो अब पूरी ताकत से उसने भगवान के पैरों पर जोर से डंक मारा। पैरों पर जैसे डंक मारा तो डंक मारते ही भगवान के पैरों में चोट लग गई, क्योंकि डंक मारते ही चोट लगी तो भगवान के पैरों से जो रक्त निकलना चाहिए था, लाल रंग का जो रक्त निकलना चाहिए था, वो सादा रंग का रक्त निकलने लगा, सफेद रंग का रक्त निकलने लगा, यानी दूध की धारा भगवान के शरीर से है निकली। जब उसने ये देखा कि ये कौन है कि इनके पैरों से लाल रंग के रक्त की बजाय सादा रंग का रक्त निकल रहा है, भगवान शांत गंभीर मुद्रा में खड़े रहे, मेरी पर्वत की तरह वो अडोल थे, उनको बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा था। अगर हम कोई नाग देख लेते हैं ना तो हम डर के मारे भाग जाते हैं, नाग छोड़ो बैंक आ गए ना, बैंक, अरे बैंक आ गए टिक टिक आ गए तो भाग लेंगे, होता ही नहीं होता है, छिपकली देख लेंगे, मेढक देख लेंगे तो डर के मारे भाग लेंगे। तो भगवान तो नाग के बीच में खड़े हुए थे, उनको जरा भी डर नहीं लग रहा था, वैसे थे भगवान महावीर, निडर बलवान है ना, करुणा निधान, भगवान अभय जो सबको भय मुक्त करने वाले महाश्रमण थे। अभी क्या हुआ, उस नाग ने देखा कि भगवान जो है बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, तो उसने कहा कि अभी दूसरी बार मैं डंक मारूंगा, लेकर के दूसरी बार डंक मारा तो भी भगवान मेरु पर्वत की तरह एकदम अचल मुद्रा में खड़े रहे। फिर तीसरी बार डंक मारा तो भी भगवान नहीं हिले। तीन बार डंक मारा फिर भी भगवान अपनी जगह से ऐसा नहीं कि भाग निकले, वहीं खड़े रहे। फिर उसने भगवान की शांत मुद्रा को देखा, मुख मुद्रा को देखा, और देखने के बाद उसका मन एकदम से पिघलने लगा कि अरे ये मैं इसको देख रहा हूं, ये तो शांत चित्त है, तो डरते भी नहीं है, ये लगता है कोई दिव्य और महापुरुष है। तो भगवान बोले, ओवसंभो चंद कोसिया, क्या बोले, ओवसंभो चंद कोसिया, और कुछ शास्त्रों में आता है भुज भुज चंड कोसिया, हे चंद कोशे तू शांत हो जा, तू इतना गुस्सा मत कर। और चंड कोशिक ने जैसे ही उस नाग ने चंड कौशिक नाम सुना, क्या सुना, उस नाग ने चंड कौशिक नाम सुना तो उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, मतलब पहले तीन जन्मों का दिखाई देने लगा। कितने जन्मों का दिखाई देने लगा, तीन जन्मों का दिखाई देने लगा। तो उसने देखने लगा अब अपने तीन जन्मों का एकदम, जैसे हमें हमारे सामने मोबाइल हम देखते हैं ना तो मोबाइल में पूरा एकदम चित्र सामने आ जाता है, टीवी देखते हैं तो एकदम चलचित्र सामने आ जाता है, ऐसे ही उस नाग के सामने अपने तीन जन्मों का एकदम से पूरा चित्र उभर के सामने आने लगा, दृश्य सामने उभर के आने लगा। तो उसने क्या देखा, पहले जन्म में वो एक श्रमण था, साधु था, और उसका एक छोटा सा शिष्य था, और वो जो साधु था वो थोड़ा, वो जो था साधु वो क्रोधी था, गुस्से वाला था, अहंकारी था, वो छोटी छोटी बात पे झगड़े पर उतर आता था। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था द्रव्य साधु बड़े होते हैं, भाव साधु बड़े होते हैं, भाव साधु मतलब जो क्रोध मान माया और लोभ नहीं करते, कषाय भाव नहीं रखते, ऐसे भाव साधु होते हैं। और द्रव्य साधु कौन होते हैं, बाहर से तपस्या तो खूब करते हैं, साधु का वेश भी पहने होते हैं, लेकिन अंदर से क्रोध मान माया लोभ जैसे कषाय भाव वाले होते हैं। तो वो वही साधु थे, कषाय भाव वाले थे, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। उनका एक छोटा शिष्य था, कौन था, एक छोटा शिष्य था। एक दिन वो गोचरी के लिए नगर भ्रमण में जा रहे थे, अचानक से उनके पैर से एक बैंक मर गया, एक मेढक मर गया, और मेढक मर गया तो उनके शिष्य ने बोला, गुरुजी आपने मेढक मार दिया, आपको प्रायश्चित करना है, आपको पश्चाताप करना है, आपको प्रतिक्रमण करना है। तो दूसरा एक मेढक मरा हुआ था, तो ये दूसरा मेढक मरा हुआ है, ये भी मैंने मारा है क्या, गुस्से में बोले, तू चुप रहा कर, ज्यादा मत बोला कर, मर गया तो मर गया, मतलब वो गुस्से में उसने, उन्होंने अपने शिष्य को डांट दिया। अब शाम का प्रतिक्रमण हुआ,
अंधकार हो गया, प्रतिक्रमण में उनके शिष्य ने उनको याद दिलाया, अरे गुरुजी आपने मेढक मार दिया था, आप क्षमा अपना कर लो नहीं तो अगले जन्म में आपको मेढक बनना पड़ेगा। गुरुजी को गुस्सा आ गया, तू बड़ा मेरा गुरु बन रहा है, अभी तुझे बताता हूं कि क्या होता है प्रतिक्रमण वगैरह। तो उन्होंने एक डंडा उठाया और डंडा उठा करके अपने शिष्य की तरफ मारने के लिए भाग पड़े। गुस्से में उनको जो उपाश्रय का खंभा था वो नजर नहीं आया और उनका मस्तक उस खंभे से टकरा गया और टकराते ही उनकी मृत्यु हो और वो गुरुजी मर करके ज्योतिष देव बने। अगले जन्म में क्या बने? ज्योतिष देव में कौन होता है? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब ज्योतिष देव कहलाते हैं। तो उनमें से कोई एक वो ज्योतिष देव बने। इसके बाद ज्योतिष देव भी अपना आयुष्य पूर्ण किया और कनखल नामक आश्रम में एक कुलपति रहता था, उसके यहां कौशिक नाम के पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र का नाम क्या? कौशिक। लेकिन बड़ा वो अहंकारी और गुस्से वाला था, यानी उस जन्म में भी वो कौन था? गुस्से वाला था, अहंकारी था, इसलिए पूरा गांव का जो लोग था उसको चंड कौशिक बोलने लगे। क्या बोलने लगे? नाम क्या था उसका? कौशिक। गुस्से वाला था, अहंकारी था, तो क्या उसको गांव वाले क्या बोलने लगे? चंड कौशिक। उसको अपने आश्रम से बड़ा प्यार था, उसने बागान बनाया हुआ था, बहुत अच्छे गाछ लगे हुए थे, उसमें बहुत अच्छे फूल पत्तियां, घास का मैदान, आम गाछ बहुत सारा था, उसको बहुत अच्छा लगता था ये सब देख करके। अगर उसका एक भी कोई पत्ती तोड़ता था ना, उसको गुस्सा आता था। वो चंड कौशिक को क्या आता था? गुस्सा आता था। वो एक तापसी था, एक साधु था। तापस के जो कपड़े होते हैं ना, गेरुआ रंग के ऑरेंज कलर के कपड़े वो पहना करता था और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के अपने बागान की, अपने आश्रम की रक्षा करता था। एक बार क्या हुआ, वो अपने आश्रम से कहीं दूर गया हुआ था, तभी श्वेतांबिका नगरी का एक राजकुमार अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ लेकर के उस आश्रम में अंदर आ गया और खेल खेल में उसने उसका पूरा आश्रम उजाड़ दिया। वृक्षों को उखाड़ने लगा, फूल पत्तियों को तोड़ने लगा, उसने पूरा बागीचा उसका उजाड़ करके रख दिया। इतने में जो चंड कौशिक तापसी था वो अपने आश्रम वापस आया और उसने देखा कि राजकुमार के साथ में उनके दोस्तों ने उसका पूरा आश्रम को उजाड़ दिया। उसकी आंखों में गुस्से से खून उतर आया, गुस्से से उसकी दिमाग की नसें थी फटने लगी। वो उन पर बहुत तेज चिल्लाया, अरे दुष्टों तुम्हें क्या कर रहे हो, तुमने पूरा का पूरा मेरा बागान उजाड़ के रख दिया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं अपनी इस कुल्हाड़ी से तुम्हारा रक्त निकाल करके इन वृक्षों की जड़ों को सींच करके दिखाऊंगा। वो कुल्हाड़ी लेकर के उन बच्चों के पीछे पीछे उनको मारने के लिए भागने लगा। वो बच्चे भी बड़े चंचल स्वभाव के थे, नटखट थे, उसको चिढ़ाने के लिए वो भी भागने लगे। वो गुस्से से तरबतर होकर के भागता जा रहा था, उसके शरीर से पसीना आने लगा, वो पसीने से तरबतर हो गया, पूरी तरीके से थक गया। भागते भागते उसकी आंखों में अंधकार आने लगा, वो पूरी तरीके से थक चुका था। अचानक भागते भागते रास्ते में गड्ढा आया और उस गड्ढे में उसका जो है पैर पड़ गया। जैसे ही उसका पैर पड़ा, जो कुल्हाड़ी थी वो आसमान में ऊपर उछली और उछलते ही उसके मस्तक पर जा गिरी और मस्तक पे जैसे गिरी उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसने अपने महा प्राण त्याग दिए। गुस्से से मरने के कारण वो चंड कौशिक तापस था, वो उसी कनखल आश्रम में नाग के रूप में उत्पन्न हुआ। कहते हैं ना, जैसी मति होती है वैसी गति होती है। वह क्रोध के कारण मरा, तो क्रोध के कारण मरने से वो अगले भाव में त्रियंश योनि में नाग के रूप में जन्म लिया और उसको उसे अपने आश्रम से प्यार था, इसलिए उसने उसी आश्रम में जन्म लिया। यानी हमारी आसक्ति जिसमें ज्यादा होगी,
हमारा जन्म भी उसी स्थान पर होना तय हो सकता है। अगर हम इसे समझिए घर से ज्यादा लगाव रखते, ये मेरा घर, ये मेरा घर, तो हम इसी घर में चूहे के रूप में जन्म ले लेंगे या टिकटिक की छिपकली के रूप में जन्म ले लेंगे। तो इसीलिए जैन शास्त्रों में हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने बताया है कि हमें भौतिक साधनों के प्रति आसक्ति को कम करना चाहिए। जब उस चंड कोशिक नाग ने भगवान महावीर से अपना पूर्व जन्म का चंड कोशिक नाम सुना, तो सुनते ही जब उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, उसको अपने पूरे तीन भवों का याद आ गया, तो उसने भगवान महावीर से क्षमा याचना करी और भगवान का बहुत अपने ऊपर उपकार माना कि हे परमात्मा, कि आपने यहां आकर के मुझ जैसे पापी को तार दिया, मैं आपकी शरण में हूं, आप करुणा निधान है। पूर्व भव में क्रोध के कारण मनुष्य गति से मुझे त्रियंच गति प्राप्त हुई, और अगर मैं इस भव में भी मैंने और मैंने इस भव में कितना क्रोध किया है, अब मैं अपने क्रोध को शांत करूंगा। तो ऐसा विचार करके उस चंडकोशिक नाग ने अपने क्रोध को शांत कर दिया। उसने मन में प्रण कर लिया कि अब मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, अपनी दृष्टि से किसी को जला करके भस्म नहीं करूंगा, मैं ही अपना मुख है अपने बिल के अंदर छिपा करके रखूंगा ताकि मेरी दृष्टि से किसी का भी अहित ना हो। भगवान अब उस स्थान से विहार कर गए। जब कनखल आश्रम से भगवान बाहर आए, तो भगवान को सही सलामत देख करके जो गांव के लोग थे वो तो हैरान रह गए कि नाग ने इस महापुरुष को कुछ भी अहित नहीं पहुंचाया। धन्य है ऐसे महापुरुष, धन्य है ऐसे भगवान महावीर स्वामी। अब वो गांव के लोग कनखल आश्रम में अंदर गए, देखा कि नाग तो अपना मुख बिल में अंदर किए छिपाए बैठा हुआ है, तो सब उस नाग की पूजा अर्चना करने लगे। जो उस नाग को मारना चाहते थे, आज वही लोग उस नाग की पूजा अर्चना करने के लिए तत्पर बने हुए हैं। सभी लोग उस नाग की पूजा करने के लिए घर से दूध लाते, शक्कर लाते, पायस लाते, कुमकुम आदि से उसका तिलक करते, जिसके कारण उसके शरीर पर छोटी छोटी चींटियां आने लगी और उसको काटने लगी। लेकिन उसने समता पूर्वक उस कष्ट को सहन किया, समता पूर्वक उस चींटियों द्वारा काटे जाने पर जो उसको दर्द हो रहा था उसको समता पूर्वक सहन किया। उसने छोटी सी चींटी से लेकर के बड़े मनुष्य तक किसी का भी अहित नहीं पहुंचाया। शांत भाव धारण करते हुए उस चंडकोशिक नाग ने अपने प्राणों का त्याग किया और मरने के बाद में आठवें देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुआ। इस कहानी से हमको शिक्षा यही मिलती है कि चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो मुनि हो, साधु हो, जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। एक साधु 5 महाव्रत धारण करने के बाद भी साधु के मन से अंतरंग कषाय का भाव नहीं गया। बाह्य रूप से साधु का भेष तो धारण कर लिया था, लेकिन अंतरंग से कषाय का भाव था। उसने क्रोध किया और क्रोध के कारण वो सदगति में जाने वाला था, लेकिन सदगति होते होते कहां पर त्रियंच गति में एक नाग के रूप में उत्पन्न हुआ। इसलिए हमें सदगति की सीढ़ियां चढ़नी है तो अपने मन में समता भाव धारण करना होगा। अपने मन में क्रोध मान माया लोभ जैसे कषायों की मंदता करनी होगी, तभी हम उच्च गति को प्राप्त कर सकेंगे। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा हो उसके लिए मैं क्षमा दुखड़ा। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।